हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका गीतियन रीत में। आज हम देखने जा रहे हैं कि स्लाइडिंग वाली खिड़की को कैसे निकालें और उसे कैसे साफ करें। सबसे पहले आप खिड़की का एक छोटा सा वीडियो बना के रखिए, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता कि अंदर की साइड कौन सी है, बाहर की साइड कौन सी है, ऊपर की पट्टी कौन सी है, नीचे की पट्टी कौन सी और खिड़की कैसे लॉक होती है। इसलिए आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो बना के रखें। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली खिड़की है ना, उसे अलग कर ले। आप खिड़की कहे या उसका कोई पार्ट, उसे अलग कर ले। देखिए ये, इसे अलग कर ले। अब इसे ऊपर उठाइए और निकालने की कोशिश करें। आपको ऊपर उठाना है और निकालने की कोशिश करना है। देखिए ये तीसरे ट्रैक पे, सबसे बाहर वाले, ऊपर उठाइए और अपनी ओर निकालने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान से, क्योंकि खिड़की बहुत भारी होती है। ऊपर उठाकर निकालने की कोशिश करें। फिर से एक बार देखते हैं। सबसे बाहर वाली खिड़की को अलग कर ले। ऊपर उठाना है और नीचे से अपनी ओर निकालना है। ऊपर उठाइए और नीचे से अपनी ओर निकालें। अब दूसरी खिड़की को भी अलग कर ले और इसे निकालें। ऊपर उठाइए और निकालने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये 5 मिनट में हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं निकाल पा रहे तो आपको नीचे की पट्टी निकालनी होगी। तो सबसे पहले स्क्रू को ढूंढकर इसे निकालें। दो और तीन, तीनों स्क्रू को निकालें। उसके बाद एक, दो और तीन, तीनों स्क्रू को निकाले। हमने ऊपर की पट्टी नहीं निकाली, लेकिन आप उसके स्क्रू निकालकर उसे निकालें, क्योंकि आपको खिड़की निकालने में आसानी होगी। अब एक, दो और तीन, तीनों स्क्रू को निकालें। अब पट्टी को खींच कर निकाले। अब इसे भी निकाले, खींच कर निकाले। अब नीचे की पट्टी को ऊपर उठाकर निकालने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान से, क्योंकि खिड़की बहुत भारी होती है और आप किसी और की मदद जरूर लें। अब खिड़की को निकाले। तो इसी तरह से हम खिड़की को निकाल सकते हैं। देखिए खिड़की कितनी गंदी है। आप साल में या 2 साल में एक ही बार खिड़की को निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार निकालने से उसका स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो चलिए अब इसे साफ करते हैं। सबसे पहले आप ब्रश से इसे पूरी तरह से साफ कर लें, उसके बाद ही आप पानी का यूज करें। पूरा कचरा निकाल ले पहले, उसके बाद ही पानी का यूज करें, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है अगर आपने ऐसा ही स्टार्ट कर दिया तो। पूरा कचरा निकालें।
आप कपड़े से निकाल सकते हो, कपड़े से भी साफ कर सकते हो। अब साबुन से पूरी तरह से साफ करें। देखिए हमने ऊपर की पट्टी नहीं निकाली और देखिए हमने यहाँ का सब साफ कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है हमने। अब जो पट्टी में लगे हुए रबर है ना काले कलर के, उसे एडजस्ट कर ले, क्योंकि अगर हमने नीचे ही उसे एडजस्ट नहीं करे तो बाद में जब हम पट्टी लगाते हैं ना तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए आप रबर को एडजस्ट करें सब पट्टियों के। अब होल को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पट्टी कहाँ की, ऊपर की है या नीचे की। अगर आपने ऊपर की पट्टी निकाली है तो सबसे पहले आप ऊपर की पट्टी लगाएं, उसके बाद ही आप नीचे की पट्टी लगाएं। होल को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पट्टी कहाँ की है। अगर आपने ऊपर की पट्टी निकाली है तो सबसे पहले आप ऊपर की पट्टी लगाएं, उसके बाद ही नीचे की पट्टी लगाएं। अब स्क्रू को लगा ले। और अच्छी तरह से टाइट कर ले। देखिए हमने गलत पट्टी लगाई, इसलिए स्क्रू फिट नहीं हो पा रहा। देखिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्क्रू फिट ही नहीं हो पा रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो गलत पट्टी है। देखिए होल देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पट्टी कहाँ की है। बीच में खोले दूसरे ट्रैक पे और एक पहले ट्रैक पे और फिर दूसरे ट्रैक पे। अब पट्टी को अच्छी तरह से लगाए। पट्टी के ऊपर पट्टी आने चाहिए, ऐसे उसे लगाए। अब स्क्रू लगाए, स्क्रू को अंदर के होल में डालें और उसके बाद ही उसे अच्छी तरह से टाइट करें। अंदर के होल में जाने के बाद ही उसे टाइट करें।
इसी तरह से आप पट्टी को लगा सकते हैं। अब दूसरी पट्टी को भी लगा ले। अब जो खिड़की हमने पहले निकाली है ना, सबसे पहले हमें उसे ही लगाना है। ऊपर उठाकर सबसे बाहर वाले ट्रैक पे लगाना है, उसके बाद उसे नीचे के ट्रैक पे रखना है। ऊपर उठाकर सबसे पहले ऊपर के ट्रैक में डालना है। उठाकर नीचे के ट्रैक में रखना है। देखिए, अब दूसरी खिड़की लगाए या पार्ट। अब पहले तो एक बार जरूर चेक कर ले कि खिड़की लॉक हो रही नहीं। तो इसी तरह से हम स्लाइड वाली खिड़की निकाल सकते हैं और उसे साफ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।